मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज गायत्री शर्मा, वेलकम यू इन टुडेज साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी हैव कंप्लीटेड आर मिड टर्म सिलेबस, नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज आर चैप्टर्स। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर नंबर 2, टीथ। टुडे वी विल डू क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम माय ऑब्जर्वेशन बुक। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव discussed true false and match the following. Now we are going to do question answer. So our first question is, name different type of teeth. अब इसमें आपने क्या write करना है, name different type of teeth. As we have discussed earlier that according to the shape and their action they perform, we can classify teeth into 4 types. They are incisors, canines, premolars and molars. So name the different type of teeth. They are incisors, canine, premolars and last one is molars. M-O-L-A-R-S, molars. There are 4 types of teeth in our mouth: incisors, canines, premolars, and last is molars. Then second question, name the type of food that can harm our teeth. कई बार बच्चों हमारे जो दांत हैं उनके अंदर कैविटी लग हो जाती है, तो कौन से ऐसे थिंग्स हैं जिनसे हमारे जो दांत हैं वो उनको नुकसान होता है? तो व्हाट, नेम द टाइप ऑफ फूड दैट कैन हार्म अवर टीथ। कौन से फूड हैं जिनसे हमें हमारे जो टीथ है उनको हार्म पहुंचता है, उनको नुकसान पहुंचता है? तो सबसे पहले स्टिकी, STICKY, स्टिकी। स्वीट स्नैक्स लाइक चॉकलेट्स, केक्स, जैम्स, सिरप, आइसक्रीम एटसेट्रा कैन हार्म अवर टीथ। कौन सी थिंग्स हैं? स्टिकी, स्वीट स्नैक्स लाइक चॉकलेट, केक, जैम, सिरप, आइसक्रीम एटसेट्रा कैन हार्म अवर टीथ। ये सब क्या कर सकते हैं? हमारे जो टीथ है उनको हार्म कर सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वी शुड नॉट ईट दैट इन लार्ज क्वांटिटी। आप थोड़ा बहुत खा सकते हो पर ज़्यादा आपको इनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनसे क्या होता है, हमारे जो दांत हैं वो खराब हो जाते हैं, तो ये हमारे दांतों को हार्म करता है। Then second is, what is the importance of our teeth? As you know that teeth are very important for us. बहुत ज़्यादा importance है। क्यों है? क्योंकि ये हमारी food को खाने के अंदर help करते हैं, उसको cut करने में help करते हैं। इसके अलावा जो सबसे important बात है कि वो हमारे mouth को shape देते हैं। अगर हमारे टीथ नहीं होंगे तो हमारा जो मुंह है, हमारा जो फेस है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारे जो माउथ है उसको जो शेप देने का काम है वो कौन करते हैं? टीथ करते हैं। तो वी शुड राइट, वी विल राइट आवर टीथ हेल्प टू कट टीयर chew and grind the food. क्या काम करते हैं? जैसे कट है, कट करने का काम कौन करते हैं? इंसाइजर्स करते हैं। टीयर करने का, फूड को जो टीयर करते हैं वो कौन करते हैं? कैनाइंस करते हैं। चू करने का काम यानी कि जो चबाने का काम है वो कौन करते हैं? प्रीमोलर्स करते हैं। और फाइनली जो ग्राइंड करने का काम है, फाइन ग्राइंडिंग का जो वर्क है वो कौन करते हैं? मोलर्स करते हैं। तो जो फूड है हमारे टीथ हमारे किस में हेल्प करते हैं? फूड को कट करने में, टीयर करने में, चू एंड ग्राइंड करने में। इन सब में हमारे फूड क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं। उसके अलावा
second one, it gives shape to our mouth. Second, क्या काम करते हैं? It gives shape to our mouth. हमारे mouth को जो shape देते हैं, face को जो सुंदर बनाते हैं, वो कौन बनाते हैं? टीथ बनाते हैं. अगर आप आपने कभी इमेजिन किया है कि अगर आपके दांत नहीं हो तो आपका फेस कैसा लगेगा? जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो कई बार क्या होता है, उनके सारे जो दांत हैं वो गिर जाते हैं, तो उनका फेस कैसे लगने लग जाता है? खाली खाली सा लगता है. तो जो हमारे टीथ हैं वो क्या काम करते हैं? हमारे जो फेस को शेप देने का काम है वो कौन करते हैं? हमारे टीथ करते हैं. तो इट गिव्स शेप टू अवर माउथ. तो देखिए, लेट्स रिवाइज अगेन. नेम डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ कौन से हैं? इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड molars. These are the four type of teeth. Then second, name the type of food that can harm our teeth. So sticky sweet snacks like chocolate, cake, jam, syrup, ice cream also etc. can harm our teeth. Then third is, what is the importance of our teeth? Our teeth help to cut, tear, chew and grind the food. Then it gives shape to our mouth. और हमारी जो माउथ है उसको शेप कौन देते हैं? टीथ देते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर. लेबल द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ टूथ. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ. तो आपने इसमें क्या करना है? आपने इसको लेबल करना है. तो सबसे पहले दिस इज अ इनेमल. अब आप कहोगे व्हाट इज इनेमल? इनेमल क्या होता है? द क्राउन इज कवर्ड विद अ हार्ड सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड इनेमल. जो हमारा क्राउन है वो एक वाइट हार्ड सब्सटेंस से कवर्ड रहता है, यानी कि जो वाइट हमारा पोर्शन है वो हमारा क्या है? इनेमल है. जो टीथ के अंदर जो वाइट दिखाई देता है आपको, वो क्या है? हमारा इनेमल है. तो द क्राउन इज कवर्ड विद अ हार्ड सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड इनेमल. Then second, this is dentine. This is dentine. The layer below the enamel is dentine. जो enamel के नीचे की जो layer है that is dentine. वो क्या है? Dentine है. And this is pulp. A pulp क्या है? Pulp क्या है? The dentine contains pulp, which is the soft part of a tooth. तो जो dentine है वो किसको contain करता है? Pulp को contain करता है. तो this is the these are the parts of a tooth. जैसे this is enamel, this is pulp. ये क्या है? Pulp है. और this is dentine. तो enamel, the crown is covered with a hard substance that is called enamel. Dentine, the layer below the enamel is called dentine, and dentine contains pulp, that is the soft part of a tooth. So students, today your homework is that you will learn these four questions and try to write them in your notebook. So that's all. Thank you. Have a nice day.